परिणाम हुआ कि उस भट्टे को 7 गुना और दहका दिया गया, यानी उसकी आग को 7 गुना और भड़का दिया गया और भयंकर रीति से वो उसको जलाया गया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 4 पद के दूसरे भाग में, जहां 7 आत्माओं का वर्णन है। पिछले संदेश में हमने सीखा था परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा, यानी परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा किस तरीके से हमारे जीवन में काम करती है और किस तरीके से परमेश्वर का ज्ञान जो है हमें प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने से, उसको जानने से और उसको समझने से हमारे जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स कैसे उतरती है, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले संदेश में सीखा था। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के भय की आत्मा के विषय में, जो 7वीं आत्मा है, यानी आखिरी आत्मा के विषय में, यानी परमेश्वर के भय की आत्मा। सबसे पहले हम ये जाने कि परमेश्वर का भय है क्या, आखिर भय का कारण क्या है, क्यों परमेश्वर का भय मानना चाहिए। इस भय के बारे में हम जब सीखते हैं तो हम पाते भय जो है कोई एक डरने वाली या डराने वाली चीज नहीं है कि हमें डरना चाहिए। परमेश्वर जो है, जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, करुणामय है, दयालु है, तो डर किस बात का है? डर तब होता है जब हम गलत होते हैं, जब हम गलतियां करते हैं। देखिए, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में 2 प्रकार से होता है। एक होता है कि जब हम गलती करते हैं तब परमेश्वर का डर होता है कि अब हमारा परिणाम क्या होगा, अब परमेश्वर जो है हमें दंड देगा और उसका रिजल्ट हमारे जीवन में क्या निकलेगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम उदाहरण लेते हैं आदम और हवा। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा और उनको एक आज्ञा दी थी कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। और आदम जो था काफी समय तक इन आज्ञाओं का पालन, परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करता रहा। परंतु जो शैतान था, शैतान ये नहीं चाहता है कि किसी भी इंसान के जीवन में परमेश्वर का भय बना रहे या आशीष बनी रहे। भय का मतलब होता है आदर करना भी होता है, कि हम किसी का सम्मान कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, उनकी बहुत सी बुरी आदतें होती है, जैसे नशा करना, शराब पीना या बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ऐसे और भी बहुत सी बुरी आदतें होती हैं। तो वो जब अपने प्रियजनों को, अपने बड़े लोगों को देखते हैं, मम्मी पापा को देखते हैं या अपने चाचा ताऊ को देखते हैं या किसी बड़े लोग को देखते हैं, तो उनसे छुप जाते हैं या उनसे छुप कर पीते हैं ताकि उनको ये पता ना लगे कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि उन्होंने अगर हमें देख लिया तो वो हमें डांटेंगे, हमें मारेंगे और क्या वो हमारे लिए सोचेंगे, क्या समझेंगे कि हम कैसे व्यक्ति हैं या कैसे लोग हैं कि इस तरीके की गंदी आदतें हमारे अंदर हैं। तो इस तरीके से वो छुप कर ये काम करते हैं। देखिए, काम बुरा काम कोई भी हो, चाहे छुप कर किया जाए चाहे सामने किया जाए, बुरा काम तो बुरा होता है। अगर आप किसी व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं, आदर करना चाहते हैं, तो उसके पीठ पीछे भी वो बुरा काम ना करें तो उसका ज्यादा आदर होता है, सबसे ज्यादा आदर होता है। मगर हम परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर की जिस समय हम बात करते हैं तो परमेश्वर की निगाह में हम 24 घंटे रहते हैं, तो हम परमेश्वर के पीठ पीछे काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी बुरा काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। अब सोचिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने सारे जहान को बनाया, हम जो है किस तरीके से उसके सामने बुरा काम कर रहे हैं। और यही काम जो है आदम और हवा ने किया। परमेश्वर सब कुछ जानता था। परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना करा, उन्होंने उस फल को खाया। अब जब उस फल को खाया, आप देखिए यहां पर मैं एक चीज आपको पढ़ाना चाहूंगा, उत्पत्ति 3 अध्याय का 8, 9 और 10 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है। 8वां पद, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। अब ध्यान देने की बात है यहां पर। सबसे पहली बात क्या, 8वें पद में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा वाटिका के दिन के ठंडे पहर में वाटिका में फिरता था। इसका मतलब वो उसका रोज का काम था,
यानी रोज आना वो वाटिका के दिन के ठंडे पहर में आता था, आदम और हवा से मिलता था, और रोज आना आदम और हवा को परमेश्वर से डर नहीं लगता था, वो उसकी उपस्थिति में होते थे और उसके सामने प्रकट होते थे और उसके सामने वो, मगर उस दिन जो था आदम छुप गया, किस दिन, जब उसने उस फल को खाया जिसकी आज्ञा ना खाने की परमेश्वर ने दी थी, यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस दिन वो डर कर छुप गया। क्यों छुप गया? क्योंकि उसे डर लगने लगा कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी और मैंने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया, मैंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, और इसलिए वो डर उसके अंदर समा गया। किसका? परमेश्वर का वो डर। अब वो पर ये देखिए यहां पर फर्क है, वो परमेश्वर से डर कर छुप गया क्योंकि अब वो ये सोचने लगा अब मेरा क्या होगा, अब परमेश्वर मुझे क्या दंड देगा, इस तरीके की बातें उसके दिमाग में है, वो छुप गया। और सबसे चीज क्या थी, वो अभी तक अपने आप को नंगा नहीं देख रहा था, नंगा नहीं समझ रहा था, परंतु उस दिन वो उसने अपने आप को नंगा देखा, उसने ये चीजें अपने जीवन में होती हुई देखी कि एक पाप के कारण क्या है, मेरा जीवन बदल गया और मैं किस तरीके से किस स्तर पर गिर गया हूं, और यही डर उसके अंदर समा गया कि अब क्या होगा। तो ये एक डर है जो वो परमेश्वर से डर कर जो छिप गया। परमेश्वर से डर कर छिपने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं दी है या जिस आज्ञा का पालन आप कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका आप आज्ञा का पालन बाखूबी करते हैं, तो परमेश्वर से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर परमेश्वर प्यार करता है, क्योंकि हम बुराई से दूर रहते हैं, और जब हम बुराई में आ जाते हैं तब हमारे जीवन में एक अलग डर समाया रहता है कि अब हमें क्या होगा, परमेश्वर पनिशमेंट करेगा, परमेश्वर दंड देगा, और किस तरीके से देगा। मैं यहां पर एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, यहां लिखा है निर्गमन 20 अध्याय उसका 20 पद, ध्यान दीजिएगा परमेश्वर क्यों अपना डर इंसान के जीवन में रखना चाहता है। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। देखिए क्यों परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक इंसान उसके भय के आत्मा से परिपूर्ण हो, इसलिए वो चाहता है कि उसके भय की आत्मा से परिपूर्ण रहें ताकि हम पाप ना करें। आदम और हवा ने क्या करा, परमेश्वर के भय के आत्मा को त्याग दिया और उन्होंने पाप कर लिया। जब परमेश्वर का भय का आत्मा हमारे अंदर नहीं होता है तब पाप हमारे जीवन में हो जाता है, और मूसा इसराइलियों को यही चीज समझा रहा है, और यही चीज अदन की वाटिका में देखी गई कि जब परमेश्वर के भय का आत्मा उनके ऊपर से उठ गया तब उन्होंने पाप किया। और ये कारण है कि परमेश्वर का भय का आत्मा जब तक हमारे जीवन में रहता है हम पाप नहीं करते हैं, और जिस दिन हम भय के आत्मा हमसे दूर हो जाता है या हम ऐसी गलती कर देते हैं, भय का आत्मा हमसे निकल जाता है, फिर हमसे गलतियां पे गलतियां होने लगती। एक तो डर ये चीज है। दूसरे डर के बारे में एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा डैनियल की पुस्तक से। क्या आपने डैनियल के तीन दोस्तों के बारे में सुना होगा, डैनियल के तीन दोस्त। अब डैनियल के तीन दोस्तों के अंदर क्या था, परमेश्वर के भय का आत्मा था, और जब परमेश्वर के भय का आत्मा उनके अंदर था तो वो किसी चीज से नहीं डरते थे, चाहे कितनी भी भयंकर आज्ञा निकल जाए उनके विरोध में, चाहे कितना भी भयंकर दंड का परिणाम उनको भोगना पड़े, उनके अंदर डर नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते थे, परमेश्वर के भय के आत्मा से परिपूर्ण थे। यहां पर अगर आप जब देखेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे डैनियल 3 अध्याय को 19 से पढ़ लीजिएगा, 19 से जब आप पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि उन्होंने कहा कि जो राजा ने मूर्ति बनाई उस मूर्ति को सब लोग दंडवत करेंगे जब नरसिंगा फूका जाएगा, मगर डैनियल के जो तीन दोस्त थे सदरक मेशक अबेदनगो जो इसमें नाम दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। नबुकदनेस्सर राजा बहुत किसी आ गया, बहुत डर गया, और उसने फिर से डैनियल के दोस्तों से कहा, सदरक मेशक अबेदनगो से कहा कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, अगर तुम जब नरसिंगा फूका जाए तुम झुक कर उस मूर्ति को दंडवत करो जो राजा के हाथों की बनाई हुई थी, तब मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मगर तीनों दोस्तों ने क्या कहा कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, और जब नरसिंगा फूका गया सब ने दंडवत करा परंतु उन्होंने नहीं करा। आप जानते परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ कि उस भट्टे को 7 गुना और दहका दिया गया, यानी उसकी आग को 7 गुना और भड़का दिया गया और भयंकर रीति से वो उसको जलाया गया।
परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और राजा नबूकदनेस्सर ने क्रोध में आकर उनको क्या करा, उन तीनों को आग के भट्टे में डलवा दिया। अब तीनों को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया तो जिन्होंने डाला था वो झुलस के मर गया। आप सोचिए आग कितनी भयंकर होगी, कितनी तेज होगी कि जिन्होंने उनको डाला वो मर गए, परंतु जो आग के अंदर गए जहां भट्टा 7 गुना जो था धकाया गया था, उनका क्या हुआ? वहां लिखा है कि वो ऐसे टहल रहे थे जैसे कोई कंपनी गार्डन में टहलता हो, कोई बाग में टहलता हो, या सुबह सुबह कोई मॉर्निंग वॉक के लिए या शाम के समय क्या कहते हैं घूमने के लिए निकला हो, इस तरीके से टहल रहे थे। मगर वहां पर एक बड़ी अजीब सी बात हुई है जो परमेश्वर का वचन कहता है। डैनियल 3:24-25 पद पढ़ रहा हूं, बड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या है। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है। 25 पद, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। यहां पर देखिए नबूकदनेस्सर राजा आग के अंदर देख रहा है, वो आराम से टहल रहे हैं, परंतु उनके साथ एक 4था व्यक्ति और टहल रहा है। वो किसके समान है? परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य है, यानी परमेश्वर के पुत्र की तरह वो दिखाई दे रहा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए सदरक मेशक अबेदनगो के साथ कौन टहल रहा है? प्रभु यीशु मसीह टहल रहा है। क्यों टहल रहा है? क्यों उनको आग ने उनको जला नहीं पाया? यानी जिन्होंने उनको फेंका था वो झुलस के मर गए उस आग से, परंतु जो आग के अंदर गए वो बिल्कुल सेफ बचे। जब उनको बाहर निकाला गया तो आग की बदबू तक उनके ऊपर, धुएं की बदबू तक नहीं थी, उनके मोचे बाल एक बाल भी नहीं उनका बाका हुआ। यानी बाल जो है देखिए कितना है, जरा सी आग पकड़ो तो एकदम से जल जाते हैं, मगर वो उनके बाल तक नहीं जले। ये आश्चर्य क्यों था? ये आश्चर्य क्योंकि वो परमेश्वर से डरते थे, क्योंकि परमेश्वर के भय का आत्मा उनमें समाया हुआ था। वो किसी और से नहीं डरते थे, उनके जीवन में किसी और का डर नहीं था। उन्होंने कहा, अरे आग का भट्टा सामने, आग का भट्टा जल रहा, हमें डर नहीं है इस आग का। क्यों डर नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का हम डर है, क्योंकि परमेश्वर का भय का आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हमें किसी और चीजों से डर ही नहीं लगता है। देखिए यह है परमेश्वर से प्यार करना, यह है परमेश्वर से लगाव रखना। और ये बात सिर्फ क्या कहते हैं इसी के डैनियल के इन 3 दोस्तों के जीवन में ही नहीं पाई जाती, यानी सदरक मेशक अबेदनगो के ही जीवन में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये बात डैनियल के जीवन में भी पाई जाती है। डैनियल के अंदर भी वही बात थी। अब डैनियल के अंदर क्या बात थी कि उन्होंने कहा, जो डैनियल के साथ काम करने वाले लोग थे वो उसे बड़ा जलन रखते थे। क्यों? क्योंकि डैनियल के अंदर परमेश्वर का भय का आत्मा था और डैनियल अपने परमेश्वर का नियम से उसकी आराधना करता था, सारी चीजें वो करता था। जब आप डैनियल को 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तब आप उसके अंदर पाएंगे कि उन्होंने एक बड़ी मूर्ति राजा की बनाई लोगों ने, और लोगों ने यह कहा कि हमने सब ने यह एका किया है कि 30 दिन तक हम तेरी बनाई हुई मूर्ति को क्या करेंगे, दंडवत करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और किसी चीज की नहीं करेंगे। और तेरी इस बनाई हुई मूर्ति के अलावा अगर कोई किसी और की आराधना करता हुआ पकड़ा गया तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। कौन से शेर? भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। जिंदा शेर, जो भूखे शेर जिनको भूखा रखा जाता था, आप सोचिए शेर भूखे हैं, भूख से व्याकुल हैं, उन्हें तो जो भी मिल जाए वो तो फाड़ खाएंगे। अब ये आज्ञा उन्होंने राजा से जो था पास करवा ली। अब डैनियल तो डैनियल है, क्यों डैनियल है? क्योंकि भाई जब उसके दोस्त आग के भट्टे को देखकर नहीं डरे तो डैनियल शेरों की मांद की बात सुनकर, शेरों भूखे शेरों की बात सुनकर क्यों डरने लगेगा? इसलिए नहीं डरेगा क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के भय का आत्मा है, और जिसके अंदर परमेश्वर के भय का आत्मा है फिर वो दुनिया के किसी भी चीजों से नहीं डरता है। अब यहां यही चीज हुई, जब उन्होंने मूर्ति को मूर्ति खड़ी की गई, लोगों ने पूजा करना शुरू करी, तो डैनियल गया अपनी कोठरी में और उस खिड़की को खोला जो यरूशलम की ओर खुलती थी। यरूशलम का मतलब परमेश्वर के पवित्र स्थान की तरफ, जहां परमेश्वर ने अपना नाम रखा था। और डैनियल ने वहां दिन में 3 बार उस खिड़की को खोलकर वो उस तरफ मुंह करके जो है प्रार्थना क्या करता था, और डैनियल ने उस दिन भी ऐसे ही करा। लोगों ने राजा से चुगली खाई। अब राजा दारा था उस समय,
अब राजा दारा जो था वो डैनियल से बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। और राजा कहने लगा, अब राजा ने उससे क्या कहा, देखिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात जो है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा को जो है वो नींद नहीं आई, ये सुनकर, यानी डैनियल 6:14 पढ़ रहा हूं, ये सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और डैनियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। 15 तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रहा कि मादिया और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो जो निषाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह बदल नहीं सकती है, बिल्कुल बदल नहीं सकती है। अब यहां पर 16 की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य का मतलब होता रोजाना उपासना करता है, वही तुझे बचाए। क्या लिखा है कि अब राजा ने कहा कि वही तुझे बचाएगा जिसकी तू रोजाना उपासना करता है। और आप सब जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, जब डैनियल को सुबह निकाला गया तो डैनियल जिंदा पाया गया, यानी भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए परमेश्वर ने। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि ये मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है, ये मेरे भय की आत्मा से परिपूर्ण है, ये मुझसे डरता है, किसी और से नहीं डरता है। और वो जिंदा पाया गया। और जिन्होंने उसकी चुगली खाई थी उनको परिवार समेत उन्हीं भूखे शेरों के मान में डाल दिया गया। और लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जमीन तक भी नहीं पहुंचने पाए थे, हवाई में उन शेरों ने उनको फाड़ खाया। तो यह है परमेश्वर से डरना, यह है परमेश्वर इस तरीके से जो है परमेश्वर रक्षा करता है। भजन संहिता 19:9 में क्या लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है। ध्यान दीजिए, यहोवा का भय पवित्र है, वे अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं और पूरी रीति से धर्म है। सबसे पहली बात, यहोवा का भय क्या है? पवित्र है। देखिए, जिसके अंदर परमेश्वर के भय का आत्मा होगा वो पवित्र होगा। डैनियल के अंदर परमेश्वर के भय का आत्मा था, सद्रक मेशक अबेदनगो में परमेश्वर के भय का आत्मा था, इसलिए वो तीनों पवित्र थे, इसलिए डैनियल पवित्र था। और परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को ऐसे ही नाश थोड़ी होने देगा, परमेश्वर कभी अपने लोगों को ऐसे ही नाश नहीं होने देता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए वो जो थे वो बचाए गए थे, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर लिखा है भजन संहिता 33:8 में, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्यों परमेश्वर ये कह रहा है कि सारी पृथ्वी के लोग उससे डरे? क्यों कह रहा है कि जगत के सब निवासी जितने जगत में रहते हैं सब उसका भय माने? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब के सब पवित्र बने, क्योंकि यहोवा का भय, अभी हमने पढ़ा कि वो पवित्र है, तो परमेश्वर चाहता है कि सब उसकी पवित्रता से भर जाए। परमेश्वर ऐसे नहीं डराना चाहता, परमेश्वर अपने भय की आत्मा के द्वारा हमें पवित्र करना चाहता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहां लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सारी पृथ्वी के लोगों को, इसलिए वो जो कहता है कि सब लोग डरें। और लिखा है ना कि परमेश्वर, यहां लिखा है भजन संहिता 24:1 में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। देखिए जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, और लिखा जगत और उसमें निवास करने, उसमें रहने वाले लोग भी। और इसलिए कहता है कि मेरी पृथ्वी पर रहने वाले लोग, मेरे बनाए हुए जगत में रहने वाले लोग सब पवित्र ठहरे। परमेश्वर का वचन यहां पर जो है इस प्रकार से वो बात करता है। यहां पर एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यिर्मयाह जब 32:40 पढ़ेंगे, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग ना होने पाए। अब देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके संग रहूंगा। और क्या कह रहा है कि मैं उनके अंदर अपना भय उजवाऊंगा, उनका उपजाऊंगा, मतलब अपना भय उनके अंदर उत्पन्न करूंगा। क्यों उत्पन्न करेगा? कि ताकि वो कभी मुझसे अलग ना हो। देखिए परमेश्वर का अगर भय का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब हम बुराई में हैं, और बुराई में हैं तो हम अपवित्र लोग हैं और पवित्रता हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना भय उनके अंदर पैदा करके उनको पवित्र बनाऊंगा ताकि वो मुझसे अलग ना हो। परमेश्वर हम लोगों से प्यार करता है और इसलिए वो चाहता है कि हम पवित्र बने और उसके संग जो है परमेश्वर के संग संग बने रहे। अब देखिए यहाँ बड़ी अच्छी बात होती है, जब हम प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7 पढ़ेंगे, बड़ा ध्यान दीजिएगा इसके अंदर।
यहां लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों के सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ध्यान दीजिएगा, सनातन सुसमाचार था। फिर सातवें पद में लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिससे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए, जिसने जो बनाए हैं ये सब। अब यहां देखिए सर, यहां थ्री एंजल मैसेज की बात है। यहां पहला जो स्वर्गदूत है वो आकाश में उड़ रहा है। अब उसके पास क्या है, एक सनातन सुसमाचार है। सनातन सुसमाचार जो है वो एक ऐसा सुसमाचार है जो सारी जातियों के लिए है, हर एक कुल के लिए। कुल का मतलब होता है हर एक घराने के लोगों के लिए है, और हर एक भाषा बोलने वालों के लिए वो सुसमाचार दिया गया। अब क्या सुसमाचार दिया गया, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ये सुसमाचार दिया है कि परमेश्वर से डरो, और उसमें एक शब्द एक लाइन और प्रयोग की गई है, और वो क्या प्रयोग किया गया है कि परमेश्वर के न्याय करने का समय पहुंचा है। अब डर जाओ, अब अलर्ट हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर जो है अब न्याय करने के लिए आ रहा है। और जो जो जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के भय का आत्मा नहीं होगा, और परमेश्वर के भय से वो पवित्र नहीं होगा, परमेश्वर के भय की आत्मा से परिपूर्ण नहीं होगा, परमेश्वर उसको दंड देने के लिए आ रहा है। इसलिए अब डरने की आवश्यकता, अब डरो जैसे आदम और हवा डरे थे, जैसे आदम और हवा के जीवन में डर था कि वो डर गए थे। आदम और हवा उनके अंदर डर था कि परमेश्वर जो है अब हमें दंड देगा। परमेश्वर ने दंड क्या दिया, उनको दंड दिया, उनको श्राप दिया, उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, जहां पर वो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी को जी रहे थे। और आदम और हवा को उसने क्या करा, उनके कारण सारी भूमि को क्या करा, श्रापित कर दिया। वो ऊंट कटारे जो है वो उगाने लगी, और वो परिश्रम आदम को करना पड़ा, पीड़ा के साथ बालक उत्पन्न करने पड़े उसको, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी उलझने आई। फिर महा जब वो आदम की वाटिका से निकले, उनके बच्चे पैदा हुए, वो एक दूसरे को मारने लगे, खून खराबा होने लगा, ये सब चीजें हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर खत्म हो गया। और यही चीज जो आज लोग कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक दूसरे को नाश करने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे की आत्मिक जिंदगी को खत्म करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है अब न्याय करने आ रहा। कह रहा कि अब तुम्हें डर लगना चाहिए, क्योंकि अब मैं न्याय करने आ रहा हूं, और ऐसा भयंकर दंड दूंगा जो बचने का नहीं है। यदि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, तो हम डरें, ताकि हम परमेश्वर जो न्याय करने आ रहा हो, न्याय के बाद अगर हम गलत साबित हुए तो भयंकर किस्म का जो दंड देने जा रहा, उससे बच जाएंगे। यदि उससे बचना चाहते हैं तो आज और अभी परमेश्वर के डर में समा जाइए, परमेश्वर के डर से भर जाइए, परमेश्वर की डर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए, परमेश्वर से डरिए, ताकि उन सारी गलत बातों से, उन बुराइयों से, पाप से दूर रह सके। क्योंकि परमेश्वर से डरने का मतलब है पाप से दूर रह सके और अपने आप को पवित्र बना सके। तो आइए हम परमेश्वर के भय में रहें, अपने आप को पवित्र बनाएं, ताकि पाप से दूर रहें, और जब परमेश्वर न्याय करने आए तो निर्दोष रहें और परमेश्वर के राज के वारिस हो सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।